सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। तुम पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा चीज दोनों ही नायाब है। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना। कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे अधिक मीठे फल होते हैं उसको सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं। आज का पंचांग 2 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार, माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 4:03 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र 5:57 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 10:11 से 11:25 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 12:18 से 1:02 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त 5:34 से 6:22 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 2 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार, किसी खास रहस्य को अभी शेयर करना फायदेमंद होगा, खासकर यदि यह स्वास्थ्य से संबंधित है। अप्रत्याशित वित्तीय लाभ की भी संभावना है, इसका सोच समझ कर प्रयोग करें। अतीत का कोई कनेक्शन अचानक आपके सामने आ सकता है जिससे मतभेद पैदा होंगी। ईमानदार और तर्कसंगत होना दुख या अपमान को कम करेगा। आज के दिन का पूरा आनंद लें। अगर किसी यात्रा पर जा रही हैं तो उसकी योजना पहले से बना लें क्योंकि आखिरी समय में परेशानी हो सकती है। रोचक लोगों से मिलना आज आपकी किस्मत में लिखा है। बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए क्योंकि आपके शब्द किसी के मन में सफलता या असफलता के बीज बो सकता है। आज आपके सब कामों और विचारों में एकाग्रता और शांति रहेगी। आप किसी विवाद से प्रभावित नहीं होंगे। दरअसल कार्यस्थल पर भी ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको शांति दूत बनना पड़े। घर के सुधार का कोई कार्यक्रम बना सकते हैं। यह अपने घर की समस्याओं को सुलझाने या संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। भीड़भाड़ भरे इलाकों में यात्रा करते समय रक्तचाप के रोगियों को अतिरिक्त सावधान रहने की आवश्यकता है। आज सफलता का मंत्र यह है कि उन लोगों की सलाह पर पैसे लगाएं जो मौलिक सोच रखते हों और अनुभवी भी हों। कोई चिट्ठी या ईमेल पूरे परिवार के लिए अच्छी खबर लाएगी। प्रेम जीवन में आशा की नई किरण आएगी। सहकर्मियों और कनिष्ठों के चलते चिंता और तनाव के छड़ों का सामना करना पड़ सकता है। मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई व्यक्ति आज आपसे संपर्क करेगा और इस दिन को यादगार बना देगा। जीवन साथी के साथ यह दिन और दिनों की अपेक्षा बेहतर गुजरेगा। आज किसी विशेष कार्य को लेकर चल रही है समस्याओं की स्थिति दूर होगी। आपके व्यक्तित्व संबंधित कोई सकारात्मक बातें लोगों के सामने आने से आपको उचित सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। कोई सरकारी मामला आज सुलझ सकता है। आपकी कमजोरी का फायदा कोई व्यक्ति ले सकता है। किसी की मदद करने से पहले उस व्यक्ति के इरादों को समझना आपके लिए जरूरी है। जीवन में आ रहे बदलाव को अपनाना फिलहाल कठिन लगेगा लेकिन आप सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं इस बात का एहसास होगा। आपके साथ परिवार के लोगों की प्रगति भी होगी। करियर पर ध्यान देते रहें, प्रयत्नों के जरिए ही आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। फिलहाल काम के लिए किसी भी व्यक्ति पर निर्भर ना रहें। रिलेशनशिप के बारे में गहराई से विचार करके ही आगे के निर्णय लें। बच्चों की सेहत में आ रहे बदलाव आपके लिए चिंता का कारण हो सकते हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताओं का आज सही समय है। छात्रों के लिए पढ़ाई में ध्यान देने का समय है वरना उनको बाद में दिक्कत हो सकती है। अभी से पढ़ाई शुरू करेंगे तो बाद में परीक्षाओं में आपको आसानी होगी। सावधानियां, इस समय कोई भी यात्रा करना नुकसानदायक रहेगा। व्यर्थ के खर्चों में कटौती करने से आपकी आर्थिक समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है। बहुत अधिक कामयाबी के लिए गलत रास्ता ना चुने।
साथ ही अवांछित लोगों से भी दूरी बनाकर रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पिता या शिक्षक के कारण आप अपनी रोमांटिक यात्रा को स्थगित कर सकती हैं। समय ना दे पाने के कारण आपकी लव लाइफ नीरज हो सकती है। रोमांस के फूलों में फिर से खुशबू भरने के लिए अपने साथी के लिए प्रेम पत्र लिखना एक अच्छा विचार है। आज आप कुछ प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे। किसी यात्रा पर जा रही हैं तो पहले पूरी योजना बना लें और अपने साथी की भी इसमें सलाह लें। यह यात्रा आप दोनों को अच्छे पल देगी जिससे आपका संबंध मजबूत होगा। अपने साथी पर विश्वास करें, यह आप दोनों के लिए लाभदायक है। जो आसपास ऐसे ही घूमते रहते हैं उन्हें कोई गंभीर नहीं समझ पाएगा क्योंकि यह घुमक्कड़ स्वभाव आपकी छवि के लिए खतरा बना हुआ है। आपको बहुत से लोग पसंद तो कर लेंगे लेकिन आपके बारे में गंभीरता से नहीं सोच पाएंगे क्योंकि आप यात्रा की जरूरत वाली नौकरी में होने के कारण घर पर बहुत कम समय दे पाते हैं। आपके पार्टनर की चिंता अपनी जगह सही है लेकिन यात्रा करने के कारण आप घर को बहुत कम समय दे पाएंगे। बात करते हैं करियर की। आज बड़ी और छोटी समस्याएं आपके कार्य क्षेत्र में दस्तक दे रही है। आपके द्वारा एक समय में प्रदान की गई योजनाओं के लिए आपको कुछ भुगतान प्राप्त हो सकता है या आपको एक अप्रत्याशित बोनस मिल सकता है। एक लंबे समय से जो पदोन्नति अटकी हुई थी वह आपको मिल सकती है या आपका पद ऊंचा हो सकता है और अलग से एक केबिन आपको मिल सकता है। बेरोजगार युवक या वे लोग जो अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ना चाहते थे उनके लिए भी आज शुभ संदेश मिल सकता है। आज अपना ध्यान नई नौकरी या कौशल की तरफ केंद्रित करें और गलतियों से बचें। जीवन की किसी भी परिस्थिति से ना घबराएं। आप अपनी मानसिक शक्तियों से कुछ भी पाने में सक्षम हैं। सफर में गड़बड़ी या बाधा से आप आहत हो सकती हैं। आज आप स्पेशल की तरह महसूस करेंगे और लोग भी आपके पास ऐसे ही व्यवहार करेंगे। अगर आप यात्रा पर जाना चाहते हैं तो पहले योजना बना ली। आज कुछ रोचक लोगों से मिलेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। आज का मुद्दा पार्टी और उत्सव है। अच्छे परिणामों के लिए बड़ी महत्वाकांक्षा की आवश्यकता है। कारोबार में अपनी गतिविधियों और कार्य प्रणाली को सीक्रेट रखना जरूरी है। रुके हुए पेमेंट वगैरह कलेक्ट करने के लिए अनुकूल समय है। इस समय मार्केटिंग संबंधित गतिविधियों पर ज्यादा मुनाफा होने की उम्मीदें हैं। ज्यादातर काम आधे दिन से पहले ही निपटा लें। बात करती हैं सेहत की। समस्याओं की वजह से तनाव और चिंता रहेगी। अपनी समस्याओं को किसी विश्वसनीय व्यक्ति से शेयर करें। आपको अवश्य ही उचित समाधान मिलेगा और स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। अपने दिन की शुरुआत या अंत एक अच्छी धीमी सैर के साथ करें। इससे आपको राहत भी मिलेगी और सकारात्मकता भी। अपने किसी करीबी को साथ चलने को कहें। दिन में आप पर थकावट हावी हो सकती है। तनाव ना ले। सही समय आने पर सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। कैफीन वाले पेय पदार्थों की बजाय ताजा जूस पिए। आज का उपाय। आज अब माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें। शुभ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।